राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के दान के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पुराणों में एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। परिवर्तनी एकादशी को जल धूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी इसलिए सबसे खास है क्योंकि पौराणिक मान्यता है जिसके अनुसार इस दिन भगवान विष्णु निद्रासन में करवट बदलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा है। ऐसे में इस दिन पूजा पाठ करने के पश्चात दान पुण्य करने से भाग्य में वृद्धि होती है और तरक्की के योग का निर्माण होता है। साथ ही दान पुण्य करने से सभी तरह के दुख तकलीफें दूर होती हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन अन्न का दान करें। किसी भी एकादशी के दिन अन्न के खाने की मनाही होती है। ऐसे में अगर आपने परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन अन्न का दान करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जरूरतमंदों का अन्न का दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी पर अन्न का दान जरूर करें। इसके साथ ही इस दिन कपड़ों का दान करना भी अत्यंत फलदायक है। एकादशी के दिन वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में परिवर्तनी एकादशी के दिन कपड़ों का दान जरूर करें। मान्यता है इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा जीवन में बनी रहती है। कपड़ों के दान के साथ इस दिन दाल के दान का भी अत्यंत महत्व है। परिवर्तनी एकादशी के खास मौके पर दाल का दान बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है इस दिन दाल का दान करने से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही जीवन में खुशियों की बहार आती है। दाल के दान के साथ साथ इस दिन पीले रंग के फलों का दान करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अतिप्रिय पीले फलों का दान भी बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी पर पीले रंग के फल दान करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। और जल का दान करें। जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। मान्यता के अनुसार जल दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए एकादशी पर जल का दान अच्छा माना जाता है और इसके साथ ही धन का दान शुभ है। परिवर्तनी एकादशी पर अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद को धन का दान भी जरूर करना चाहिए और इसके साथ ही इस दिन दान करें तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अतिप्रिय है। इसे दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और दान देने वाले को आशीर्वाद देते हैं। तुलसी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे घर में लगाने से घर में शांति और सुख रहता है। तुलसी के पौधे को दान करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही परिवर्तनी एकादशी पर सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करें। परिवर्तनी एकादशी पर पीले या सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। मान्यता है इससे जीवन में मिठास तो बनी ही रहती है, साथ ही धन की देवी माता लक्ष्मी भी खुश होती है। और इस दिन किताबों का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है।
परिवर्तनी एकादशी के दिन धार्मिक ग्रंथों या किताबों का दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अगर संभव हो तो धार्मिक किताबों का दान जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इन सभी दानों के साथ साथ परिवर्तनी एकादशी पर आप दूध दही का दान भी कर सकते हैं। जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए परिवर्तनी एकादशी पर दूध और दही का दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियों का अंत होता है। अगर आप ग्रह क्लेश और रोग का सामना कर रहे हैं तो ऐसे में परिवर्तनी एकादशी व्रत करें और जल का दान करें। इससे कुंडली में पितृ और चंद्र दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी दूर होती है। तो ये थे परिवर्तनी एकादशी पर किए जाने वाले शुभ दान। परिवर्तनी एकादशी पर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। इसे भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही माता लक्ष्मी भी कृपा करेंगी और आपके जीवन के दुख दर्द भी दूर होंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसी सहित गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए साथियों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझेंगे आप सभी साथी और हमारा सहयोग करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।